मित्रों नमस्कार, लक्ष्य अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं, लगातार फोन कर रहे हैं। देखिए क्लासें तो चल नहीं रही हैं, और जब तक क्लासें नहीं चल रही हैं तब तक ऐसे ही आपको एक एक दो दो वीडियो मिलते रहेंगे, और इसी से कंप्लीट तैयारी करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, और जब क्लास ओपन होगी तो ये पूरा का पूरा रिविजन हमें चाहिए, पूरा का पूरा याद चाहिए कि आप पूरी तरह से हम कहीं क्वेश्चन पूछें आप पूरे पूरे उसको बता पाए। और बहुत अच्छा चांस है, बहुत गोल्डन चांस है। इस समय पर 3 से 4 वैकेंसियां लगातार आपके सामने हैं, और लॉकडाउन जब तक चल रहा है उसके बाद आपके पास एग्जाम ही एग्जाम रहेंगे। तो अगर अभी आप इसका इस समय का सदुपयोग कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोग बोलते हैं सर बहुत धूप लगती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, तो ये सब बकवास है, बकवास बंद करिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में मन लगाइए। अगर आपने टारगेट बना लिया है तो फिर उस टारगेट पे जो है कायम रहिए, ठीक है। सफलता अगर लेनी है तो इस तरह से हम आपको देते ही रहेंगे, और बाकी आप अपने मन को संतुलित रखिए, ठीक है। जब तक आपका मन संतुलित नहीं होगा तब तक आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। आपका टारगेट गोल डिसाइड होना चाहिए, पहले डिसाइड कर लीजिए, टाइम टेबल बनाइए, उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को लेकर के आप कंप्लीट करते रहिए। चलिए आज हम लोग एक अलग चैप्टर है हिंदी का, समास, ठीक है, उसको आज पूरा करेंगे। और ध्यान रखिएगा, समास पढ़िए समझिए, सभी लोग समास कराते हैं, गूगल में ढेर सारा मैटर आपके पास अवेलेबल है, आप सभी लोग पढ़ते भी हैं जानते भी हैं। लेकिन ध्यान रखिए जब एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो गलत क्यों हो जाते हैं, हम लोग उन पॉइंटों में उससे आपको तैयार कराएंगे, ठीक है। हमने पहले ही आपको कहा है कि हमारा उद्देश्य ज्ञान देना नहीं है, एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे आप सही कर पाएंगे, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से आ जाए आपका गलत ना हो, ये हमारा टारगेट होता है। आप दूर बैठे हुए हैं, हमें तो नहीं पता है कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है, कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो लोग संस्थान के हैं वो ध्यान रखेंगे कि जब यहाँ वो आएंगे तो ये सभी चीजें उनको 10 दिन 15 दिन के अंदर ही पूरा डिस्कस और पूरा याद चाहिए हमें, ठीक है। और उसके अलावा कोई समझौता नहीं होगा। जो लोग दूर के भी हैं उनको भी अगर कोई चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स पे लेकर के पूछ सकते हैं, हम दोबारा भी बताएंगे। अगर हम ये चीज करा रहे हैं, सब्जेक्ट करा रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट की हमारी जिम्मेदारी है, हम पूरा कंप्लीट कराएंगे और अच्छे से कराएंगे, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक बताएंगे, ठीक है। चलिए आज हम लोग बात करते हैं समास की। तो समास को सबसे पहले होता क्या है, समास, ठीक है, समास का मतलब होता है संक्षेप, ठीक है। जब हम दो शब्दों को या किसी भी वाक्य को लिखते समय हमें लगता है कि और इसको सारगर्भित करना चाहिए, और इसको सुंदर बनाना चाहिए, और इसमें सार्थकता नवीनता लानी चाहिए, तो हम लोग समास को याद करते हैं और समास का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों को जब हम जोड़ देते हैं, ठीक है, दो से दो या दो से अधिक, इनको जब जोड़ देते हैं तो जोड़ने की क्रिया क्या होती है, समास होती है। और जो शब्द होता है, जो शब्द बनता है उसे कहते हैं सामासिक पद, सामासिक पद, अर्थात उसमें समास का प्रभाव होता है। जैसे हमने कहा राजपुत्र, राजपुत्र, तो राजपुत्र में राज राज राजा अलग है, ठीक है, प्लस पुत्र है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं राजा का पुत्र, तो ये एक बड़ा हो गया, बड़ा शब्द है, दो शब्दों तीन शब्द हो गए इसमें। अब इसको हमें सारगर्भित रूप देना है, अपनी लेखनी में इसका प्रयोग करना है। जब आप कोई भी निबंध लिखते हैं, कोई भी टॉपिक में लेटर वगैरह लिखते हैं, तो इस समास का प्रयोग करते हैं आप, और तभी आपका लेटर हो या आपका कोई लेख हो या कोई निबंध हो बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। और इसीलिए समास आप पढ़ते भी हैं। तो अब इसमें देखिए, अब राजपुत्र हमने कह दिया तो ये सामासिक पद हो गया, अर्थात इसमें समास का प्रभाव दिखता है, क्या, दोनों पदों को हमने जोड़ दिया, ठीक है। और जोड़ते समय कारक का या किसी अन्य प्रकार के जो बीच में आने वाले शब्द होते हैं उनका लोप हो जाता है, तो मोटा मोटा हम कहते हैं कारक का लोप हो गया। तो ये जो पद है इसे हम क्या कहें, सामासिक पद कहें, ठीक है। और यही पर अगर हमने इसको अलग करके लिख दिया तो इसी को हम कहते हैं विग्रह हो गया। और जब हम समास को दो पदों में या जितने पद उसमें मिले हुए उनको अलग करते हैं, बांटते हैं, तो उसे हम विग्रह कहते हैं, समास विग्रह। और समास विग्रह से ही हमें एक चीज और पता चलती है कि अब आपके पास पद प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है समास के पद,
अब इसमें दो पद हो सकते हैं, दो से अधिक पद हो सकते हैं, वैसे अमूमन हिंदी में दो ही पद मिलते हैं आपको, तो इन दोनों पदों में एक प्रथम पद होगा, पहले वाला होगा और एक दूसरा होगा, ठीक है। तो जो प्रथम पद होगा इसी को हम क्या कहते हैं, प्रथम पद कहते हैं या पहला पद कहते हैं, प्रथम पद या पहला पद, इसको हम दूसरा पद या अंतिम पद कहते हैं, अंतिम पद। तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। देखिए समास की एक मेन की होती है, एक मेन उद्देश्य होता है और एक ही मेन जो है इसको कॉन्सेप्ट होता है। अगर उस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो मैं बता रहा हूं आपको दोबारा समास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम देखिए पढ़ाते सब वही है, हम भी वही पढ़ाएंगे, लेकिन उसमें पहचानने की जो कला है, जो क्रिया है, वो आपको हम बताएंगे, जिससे कि आपको एग्जाम पीरियड में कोई भी दिक्कत ना, कोई भी एग्जाम दीजिए, मेरी गारंटी है, मेरा चैलेंज है कि आप एग्जाम में जाइए और गलत हो जाए क्वेश्चन तो बताइए, बस ध्यान से क्लास पूरी कर लीजिए, ठीक। अब देखिए इसमें क्या है, हमने कहा कि एक प्रमुख चीज होती है जो समास में, वो होती है पद की प्रधानता। प्रधानता, अगर आपने पदों की प्रधानता को समझ लिया, ठीक है, प्रधानता पदों की प्रधानता को अगर आपने समझ लिया तो समास खत्म, कोई भी समास में दिक्कत नहीं होगी, ठीक। अब कौन सा पद प्रधान होगा, उस प्रधानता को कैसे पहचानेंगे, सबसे मेन पॉइंट यही है। अगर आपने इसको समझ लिया तो मैं बता रहा हूं आपके सामने सभी समास एक एक करके मैं प्रैक्टिस कराऊंगा और देख लेना कोई दिक्कत बता दे, नहीं होगी, गारंटी है। अब देखिए प्रधानता, अब इसमें दो चीजें होती हैं। अब आप समास, हमने आपको बताया कि दो पद हो गए, ठीक है, दो पद होंगे, एक प्रथम पद एक अंतिम पद या दूसरा पद। अब या तो ये प्रधान होगा या तो ये प्रधान होगा, ठीक है, या दोनों प्रधान होंगे या कोई प्रधान नहीं होगा। पहला, या तो ये होगा ये नहीं होगा, या तो ये होगा और ये नहीं होगा, या तो दोनों होंगे या तो दोनों नहीं होंगे। ये चीज समझ गया, पद जो भी आपके समास में होते हैं उसमें एक पहला पद होता है, दूसरा पद होता है। अगर पहला पद प्रधान है तो एक समास बन गया। अब देखिए इसी से आपको प्रधानता से ही पता चलता है, समास हमने कहा चार होते हैं, पहला पद प्रधान, प्रथम प्रधान, अव्यय भाव, अव्यय भाव, समास बन गया आपका, प्रधानता भी बता रहे कैसे पहचानेंगे, ठीक है। दूसरा प्रधान, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष, ठीक है, दोनों प्रधान, द्वंद समास, और कोई प्रधान नहीं, बहुव्रीहि समास। चारों समास पूरे हो गए, दो पद होते हैं, पहला प्रधान है, अगर पहला प्रधान है तो अव्यय भाव समास, दूसरा या अंतिम पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास, दोनों पद प्रधान है तो द्वंद समास, और अंतिम पद प्रधान है तो कोई पद प्रधान नहीं है तो बहुव्रीहि समास। बस चार मुख्य जो समास होते हैं वो चार होते हैं, वैसे हम छह पढ़ते हैं, ठीक है। अभी इसमें कर्मधारय और दीर्घ समास छूट गया, उसको भी बता दें। सबसे पहले देख लेते हैं प्रधानता, क्योंकि अगर आपने प्रधानता पहचान ली तो समास पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और मेरा उद्देश्य है कि मैं पहले आपको ये चीज बताऊं और यही चीज आप जो है समझें और इसको जो है अपने जहन उतारें और इससे बनने वाले क्वेश्चन को एकदम क्लियर करें। अब देखिए हम आपको एक शब्द दे रहे हैं, ठीक है, शब्द क्या है, युद्ध क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब युद्ध क्षेत्र है, अब अगर हम इसमें पूछते हैं कि इसमें कौन सा पद प्रधान है, कैसे पहचाने युद्ध क्षेत्र। अच्छा युद्ध क्षेत्र, जब हम शब्द बोलते हैं युद्ध क्षेत्र तो उससे क्या जहन में आता है, क्या आपके दिमाग में आता है, क्या मतलब एक पिक्चर बनती है युद्ध क्षेत्र की, एक रण एक मैदान की जो है बनती है ना, एक पृष्ठभूमि एक पिक्चर आपके दिमाग में युद्ध क्षेत्र। दूसरा शब्द ले लीजिए राजपुत्र या राजकुमार, ठीक है। तीसरा शब्द ले लीजिए रसोई घर। इन तीनों शब्दों को पढ़िए और समझिए कि
कि हमारे यहां का राजकुमार, तो राजकुमार कहने से किस चीज की आकृति बन रही है? एक राजा के पुत्र की एक आकृति बन रही है ना, अच्छा राजकुमार होता राजा का पुत्र, राजा की आकृति तो नहीं बन रही ना, राज की आकृति तो नहीं बन रही ना, शासन की सेनापति की आकृति तो नहीं बन रही ना, दिमाग में एक पिक्चर बन रही है ना आपके पहले से जहन में होती है, ठीक है। तो जो आकृति, जो पिक्चर, जो समझ आपकी बन रही है इस शब्द को समझने पढ़ने के बाद में, सुनने के बाद में, जो महान होता है, जो प्रधान होता है, वही आपके दिमाग में आता है। जैसे हमने कहा रसोई घर, अब रसोई में आपको रेसिपी नजर तो नहीं आएगी ना, चावल बढ़िया ना, बढ़िया कोई और चीज जो आप लोग खाते हैं, ठीक है, चाट समोसा या कोई बढ़िया बढ़िया लड्डू रसगुल्ला, ये तो नहीं आता ना रसोई घर में, रसोई घर में तो होता सब कुछ है, बर्तन नहीं नजर आते हैं। रसोई घर हमने कहा तो एक जहां पर आपका खाना बनता है वो एक किचन का एक पिक्चर आता है। तो जब किचन का पिक्चर आता है तो किचन का जो जो क्लियर है, अब रसोई शब्द क्लियर नहीं हो रहा ना, जब रसोई घर लग गया तभी तो किचन में आप पहुंच गए। अगर आप रसोई गए तो रसोई मतलब रोटी चावल दाल सब कुछ होता, लेकिन जब घर आ गया तो घर से उस रसोई घर की एक पिक्चर आ गई, तो प्रधान कौन हो गया, ये पद प्रधान हो गया। उसी तरह राजा, राज, ठीक है, राजकुमार, अब राजकुमार है, एक राजा है एक कुमार है। अगर हमने कह दिया राज, तो राज से क्या, राज से राजपाट, राज से शासन सत्ता, राज से मतलब एक जो है प्रशासन व्यवस्था। अब जब कुमार लग गया तो राजकुमार हो गया, कुमार क्या है, कुमार से क्या पहचान मिल रही है, राजा के पुत्र का एक आभास हो रहा, तो प्रधान क्या हो गया, कुमार, ये प्रधान हो गया, यहां पर घर प्रधान हो गया। और युद्ध क्षेत्र, युद्ध तो है, युद्ध तो है, लेकिन कैसा, क्या क्षेत्र, अच्छा युद्ध क्षेत्र मतलब रणभूमि, मतलब एक मैदान जहां पर दोनों सेनाएं खचाखच खड़ी तो बंदूक लिए, तो यहां पर क्या आपको पहचान मिल रही है, युद्ध का जो मेन काम कर रहा है क्षेत्र कर रहा, तो ये क्षेत्र जो है यही प्रधान है, ठीक है, और यही प्रधानता की आपको पहचान करनी है। दूसरा शब्द लीजिए प्रकृति, जरा बताइए इसमें कौन सा पद प्रधान हुआ, प्रतिदिन, प्रतिदिन जब आपको बोला जाता है तो प्रतिदिन से क्या आभास हो रहा है, प्रतिदिन अर्थात एक एक दिन, प्रति मतलब दिन तो मेन है, दिन तो है प्रतिदिन, दिन तो है ये, लेकिन प्रतिदिन, प्रति से हमें पता चलता है कि ये दिन की विशेषता या दिन कैसा है, एक एक दिन की बात ये बताता है ना, तो यहां पर क्या प्रधान हो गया, प्रति प्रधान हो गया। और प्रति एक ऐसा शब्द है जो अव्यय जैसा लग रहा है, इसके साथ में दिन के साथ लग रहा है तो उपसर्ग लग रहा है, पहले लगेगा तो उपसर्ग हो जाए, ठीक है, तो उपसर्ग के रूप में, अव्यय के रूप में ये प्रयोग हो रहा है और पहला पद प्रधान हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में दूसरा एक और ले लीजिए, जैसे नील गाय, नील गाय शब्द में आप बताइए कौन सा पद प्रधान है, नील गाय, नील, नील हमने करके छोड़ दिया, नील में क्या समझ रहा, कुछ नहीं ना, नील के साथ गाय रख दिया, गाय, तो नील गाय अर्थात हम उन गायों को ढूंढेंगे कि नील गाय, नील वाली गाय कौन सी, तो ये वाला पद प्रधान हो गया ना, गाय अंतिम पद प्रधान हो गया ना। बस ये अगर आपने पहचान लिया कि कौन सा पद प्रधान है तो समास में, जिंदगी में कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप बताइएगा, ठीक है। इसी में एक हम और जैसे कर देते हैं, चौराहा, चौराहा, अब चौराहा शब्द में भी प्रधानता आपको बतानी है, कौन सा पद प्रधान, कौन सा समास की अभी हम व्याख्या करेंगे, व्याख्या करेंगे एक एक करके हम समझाएंगे, लेकिन चौराहा, चौराहा, चौ, चौराहा मतलब राह, जहां पर चार रास्ते मिलते हैं उसी को चौराहा कहते हैं, तो इसमें भी तो अंतिम पद प्रधान हो गया, ठीक है, प्रधान हो गया, लेकिन ध्यान रखिएगा अब यहां पर जब ये पद संख्यावाची हो गया तो समास चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर हमने कहा नील गाय अंतिम पद प्रधान है, लेकिन ये नील है, नील अर्थात नीला, ये विशेषण है, इसकी जगह पर समास चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन अंतिम पद प्रधान होगा किस समास का, तत्पुरुष समास का, ठीक है। चलिए अब प्रधानता के अनुसार हम समास को देख लेते हैं, समास आपके छह प्रकार के पढ़ेंगे, लेकिन हम चार पहले बताएंगे उसके बाद दो के उपसर्ग बताएंगे, तो सबसे पहले चार आप देख लीजिए कौन कौन से हैं और फिर एक एक करके समझ लीजिए। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है
बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, इसमें प्रथम पद प्रधान, प्रथम पद प्रधान, इसमें अंतिम पद प्रधान, इसमें दोनों पद प्रधान और इसमें कोई पद प्रधान नहीं। अब समझिए कि अब चार चीजें हो गई, चार स्थितियां हो गई आपके पदों की प्रधानता को लेकर, और यहीं से आप पूरे समास समझ लेंगे, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं तत्पुरुष समास, इसके दो प्रकार होते हैं, एक है कर्मधारय, ठीक है, और दूसरा है द्विगु समास। अब देखिए एकदम इजी, एकदम आसान है, क्या तत्पुरुष समास को आपने पढ़ा कि अंतिम पद प्रधान होता है, ठीक है, अंतिम पद प्रधान होगा, लेकिन अगर अंतिम पद प्रधानता से अगर हम ये कहें कि जो पहला पद है अंतिम पद प्रधान होगा, लेकिन उसके साथ में पहला पद होगा, अगर वो पद विशेषण है, विशेषता बताता है, तो कर्मधारय समास होगा। अगर विशेषण संख्यावाची है, अगर संख्यावाची विशेषण है, तो वहां पर द्विगु समास, खत्म पूरे समास। पहला पद क्या विशेषण है तो कर्मधारय समास, और पहला पद संख्यावाची विशेषण है तो द्विगु समास, और अंतिम पद प्रधान है तो तत्पुरुष समास, पहला पद प्रधान है तो अव्ययी भाव समास, द्वंद समास दोनों पद प्रधान है तो, और कोई पद प्रधान नहीं है तो बहुव्रीहि समास। इतना मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक एक करके समास को देखेंगे, ठीक है। चलिए पहले समास की बात हम करते हैं, अव्ययी भाव समास की, ठीक है। इसमें पहला पद प्रधान होता है। अब पहला पद प्रधान, हमने कहा कि जिस समास में प्रथम पद, प्रथम पहला पद प्रधान या अव्यय, ठीक है, या अव्यय या उपसर्ग के रूप में हो तो उसे क्या कहते हैं, अव्ययी भाव समास कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होगा, वही पद अव्यय होगा या उपसर्ग होगा, ठीक। उदाहरण से देख लीजिए, जैसे यथार्थ, यथार्थ, यथा अर्थ, मतलब यथा अर्थ, तो यथा क्या होता है, यथार्थ का, अब यथा कहें यथा, ये पहले लगा हुआ है तो क्या है, उपसर्ग है, ठीक। अब यथा को किसी भी शब्द के साथ लगाएंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लिंग कारक वचन के अनुसार यथा में कोई परिवर्तन ही नहीं होता है, और इसीलिए इसे हम कहते हैं अव्यय, ठीक है। किसी के साथ लगाइए, इसका कोई परिवर्तन, कोई व्यय नहीं होगा, ठीक है। दूसरा इसी का उदाहरण है प्रतिदिन, ठीक है, ये प्रति, प्रति क्या है, ये अव्यय है, प्रति किसी भी, प्रत्येक, प्रतिदिन, प्रति जो है प्रत्येक लड़की, प्रत्येक लड़का, कुछ भी लगाइए, प्रति वही रहे, तो ये भी क्या है, प्रत्येक पहला पद प्रधान है, अव्यय है और उपसर्ग के रूप में, ठीक है। उसी में शब्द है बखूबी, बखूबी, खूबी तो है लेकिन कैसी है, बखूबी है, बहुत अच्छी खूबी है, तो ये बा है, बा, ये भी अव्यय है और ये भी उपसर्ग के रूप में आया है, और बखूबी, खूबी की और विशेषता बताने के लिए बखूबी लग गया, तो बखूबी इसमें प्रधान हो गया, ठीक है। इसके बारे में एक और आप कर लीजिए, जैसे बेसर्म, मतलब सर्म तो होती है लेकिन बेसर्म, ठीक है। अब ये बे जो है ये अव्यय है, ठीक है, ये और अच्छा सर्म को और अच्छा कर देता ना, बेसर्म है, कुछ शर्म ध्यान नहीं है, ठीक है। उसी तरह बेठक, बेखटके है, यथाकर्म है, प्रतिकूल है, ये सारे शब्द आएंगे, तो ऐसे ही पहचानिएगा पदों की प्रधानता के साथ में, ठीक है। चलिए दूसरा समास आता है तत्पुरुष समास, उसको भी अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तत्पुरुष समास में हमने बताया था कि तत्पुरुष समास का कौन सा पद प्रधान होगा, अंतिम पद प्रधान होगा तत्पुरुष, तत्पुरुष समास का अंतिम पद प्रधान। अब अंतिम पद प्रधान है, उस अंतिम पद को आपको पहचानना है,
ठीक है, कि प्रधानता क्यों है इसमें। और ध्यान रखना, दो पद होते हैं और दो पद में एक संज्ञा होती है, ठीक है, ठीक, और एक प्रधान होता है। तो जो प्रधान होगा जरूरी नहीं है कि वो संज्ञा हो, वो संज्ञा नहीं भी हो सकती है, विशेषण भी हो सकता है, वो अव्यय भी हो सकता है, वो क्रिया विशेषण भी हो सकता है। तो जो प्रधान होगा उसका दूसरा अपोजिट वाला शब्द संज्ञा भी हो सकता है, ठीक। अब इसमें देखिए, वही हमने कहा अंतिम पद प्रधान होता है और ये छह प्रकार के होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक कितने प्रकार, आठ प्रकार के, आठ प्रकार के होते हैं, और इन कारक के ये छह प्रकार होते हैं, ठीक है। पहला और संबोधन को अगर छोड़ दिया जाए तो इसमें जो है हम छह प्रकार मानते हैं कि हाँ इसके छह प्रकार हैं, एक कर्ता, एक संबोधन, कर्ता और संबोधन कारक तत्पुरुष के भेद नहीं है, बाकी छह प्रकार के होते हैं। और छह प्रकार के आप जब इसको लिखेंगे समझेंगे तो जब विग्रह करेंगे तो बीच में कारक शब्द आएगा, ये ध्यान रखिएगा। जैसे हम राजमहल कहते हैं, ठीक है, राजमहल, ठीक। अब इसमें वही अंतिम पद प्रधान हो गया राजमहल, ठीक है, और राजा का महल, राजा का महल, तो का इसमें कारक आ गया। उसी तरह नेत्रहीन, नेत्रहीन तो नेत्र से ही है ना, तो ये भी एक कारक शब्द है। अब देखिए नेत्रहीन है, इसको भी आप देखिएगा कौन सा पद प्रधान है। उसके बाद में गुणहीन, गुणहीन, गुण से ही, ठीक, गुण से ही, गुणहीन, हीन मतलब नहीं है, गुण नहीं है। उसी तरह से फिर आप शोकाकुल, 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 शोक से आकुल, बहुत ज्यादा शोकाकुल मतलब बहुत ज्यादा शोक है, तो यही शब्द तो है प्रधान, अंतिम पद ही तो प्रधान हो गया, तो शोकाकुल, शोक से आकुल इसको कह सकते हैं, या प्रेमातुर, तुलसीकृत, या वे शब्द और सूर्योदय, सूर्योदय, अब देखिए यही तो पद है, उदय यही तो मेन है, सूर्योदय, ठीक है, सूर्य का उदय, आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर अंतिम पद प्रधान, समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि अच्छे से आपने समझ लिया होगा इसको। चलिए उसके बाद हम लोग दूसरा समास करते हैं जिसे आप कहते हैं द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास जैसे कि शब्द ही है द्वंद्व, द्वंद्व मतलब होता है क्या, युद्ध, ठीक है, द्वंद्व मतलब होता है टकराव, द्वंद्व मतलब होता है बराबर की लड़ाई, ठीक। अब इसमें जो है सभी लोग कहते हैं कि वो कहते हैं हम बड़े, वो कहते हैं हम बड़े, इसमें हो जाता है द्वंद्व, द्वंद्व में हो जाता है लड़ाई, बराबर वाली से होती है ना, तो दोनों बराबर होते हैं, दोनों प्रधान होते हैं, इसलिए लड़ाई होती है, ठीक है। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास, अब द्वंद्व समास को देखिएगा, समझिए, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, हमने पहले बता दिया था, ठीक है। और पदों के बीच में और तथा या, और तथा और या, और तथा या का लोप होता है, ठीक है, और तथा या का लोप होता है, जैसे सीता राम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सीता और राम, सीता और राम को बराबर महत्व है ना, माँ बाप, भाई बहन, ठीक है, राधा कृष्ण, इस तरह के जितने भी शब्द आएंगे बराबर वाले, और का लोप होगा, तथा का लोप होगा, या का लोप होगा, वहां पर आप कौन सा समास लगाएंगे, द्वंद्व समास लगाएंगे। इसी में जैसे है नमक मिर्च, नमक मिर्च कौन सा समास होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, ये भी तो यही समास है, घट बढ़, ठीक है, हाथ पांव, हाथ पांव, तो ये सभी इसके उदाहरण हैं द्वंद्व समास के, समझ में आ रहा होगा, इतना सरल है, अब इसमें समझने की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। चलिए इसके बाद में चौथा समास आता है, वो है बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, ध्यान रखना, इसमें हमने बताया था कि कोई पद प्रधान नहीं होता, बहुव्रीहि समास, ठीक है, कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद
प्रधान नहीं। ठीक है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जब आप संस्थान में आएंगे या नहीं भी आएंगे, जो लोग दूर के हैं वो कहाँ आ पाएंगे, वो यहीं आप तैयारी करिए और यहीं में आपको एक संडे को संभावित है संडे आपको टेस्ट भी मिलेगा, तो यहीं अच्छा करके आप कल करके आप वही कमेंट बॉक्स में पूरा लिखिएगा। ठीक है, और जो लोग संस्थान के हैं वो आएंगे तो वो उनके लिए तो सख्त हिदायत है, वो बिना कंप्लीट किए आएंगे नहीं, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुवेय समास में हम देखते हैं कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है और दोनों पद मिलने के बाद किसी तीसरे की तरफ, किसी नए अर्थ की तरफ इशारा करते हैं। ठीक है, कोई नया अर्थ प्रकट करते हैं, उसे हम बहुवेय समास कहते हैं। जैसे आपने लंबोदर, ठीक है, इसमें दो समास दो पद है और दोनों में कोई पद प्रधान नहीं है, लंबा है उदर जिसका अर्थ क्या आप जानते हैं, गणेश। ठीक है, चक्रपाण और अधिकतर ध्यान रखिएगा बहुवेय समास अधिकतर भगवान पर बने हुए, अधिकतर भगवान पर बने, जितने भी उदाहरण देंगे लेकिन सब भगवान पे आएंगे। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु भगवान है। गिरिधर, ठीक है, गिरी मतलब क्या होता है पर्वत, गिरी मतलब होता है पर्वत को धारण करने वाला अर्थात कृष्ण भगवान। निशाचर, रात्रिचर, निशा मतलब होता है रात्रि, निशाचर रात्रि चलने वाला अर्थात राक्षस। त्रिलोचन ध्यान रखिएगा आपके परीक्षण यही आएंगे भाई, मैं बता रहा हूं यही उदाहरण से देखना, एक दो मिल जाए तो ये उदाहरण भी आपको याद करना है। त्रिलोचन तीन नयन वाला अर्थात क्या शिव, तीन नेत्र होते ना, त्रिनेत्र या त्रिलोचन एक ही बात है। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर में जिसके, सर में जिसके चंद्रमा है, कौन आप जानते हैं। उसके बाद में है चतुर्भुज, चतुर्भुज कौन है, चतुर्भुज चार भुजाओं वाले कौन है, विष्णु भगवान है। ठीक है, एक दंत किसके हैं, गणेश भगवान के। ठीक है, गदापाण, गदा है हाथ में जिसके अर्थात जानते हैं आप। ठीक है, चलिए ये समास तो हो गए पूरे, अब जरा हम लोग देखते हैं कर्मधारय और द्विगु समास। हमने कहा था तत्पुरुष समास के दो प्रकार होते हैं और तत्पुरुष समास के दो पार्ट होते हैं, एक कर्मधारय और दूसरा है द्विगु समास। हमने कहा देखिए, अब तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है ना, अंतिम पद प्रधान, तो अंतिम पद इसमें भी प्रधान होगा, अंतिम पद इसमें भी प्रधान होगा, अंतिम पद प्रधान होगा, लेकिन इसमें प्रथम पद जो है प्रथम पद विशेषण होगा। ठीक है, विशेषण अर्थात जो आपका पद प्रधान है उसकी विशेषता बताएगा। ठीक है, और ये क्या है, ये विशेषण तो हो गया लेकिन कौन सा विशेषण हो गया, संख्यावाची विशेषण होगा। विशेष विशेषण मैंने करा दिया है बहुत अच्छे से, आप उसको फिर जाकर के देख लीजिएगा कि संख्यावाची विशेषण क्या होता है या विशेषण क्या होता है, समझ में आता है। ठीक है, चलिए अब इसी में आपको हम कुछ उदाहरण बता रहे हैं, जरा उदाहरण देखिएगा। हमने कहा नवरत्न कौन सा समास है, नवरत्न पहला संख्यावाची विशेषण है, रत्न तो है लेकिन कितने, नौ अर्थात संख्यावाची विशेषण। ठीक, पंचामृत द्विगु समास हो गया। ठीक है, त्रिमूर्ति तो है, कितनी है, तीन है, त्रिमूर्ति मतलब कोई भगवान नहीं होता, ध्यान रखिएगा, त्रिमूर्ति मूर्तियों की बात हो रही, संख्या बता रहे, तो त्रिमूर्ति भी द्विगु समास होगा। चौराहा, ठीक है, चौराहा भी क्या है, द्विगु समास है। उसके बाद हम लोग यहीं पर कह देते हैं दशानन क्या द्विगु समास है, नहीं है, कारण कि दस है आनंद जिसके अर्थात किसी तीसरे वर्ग की तरफ इशारा कर रहा है, तो यहां पर यह होगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए उसी तरह आप देखते हैं कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास का जो पहला पद होता है वो क्या होता है, विशेषण होता है। जरा उदाहरण देख लीजिए, जैसे महावीर क्या, वीर तो है लेकिन कैसा, महा तो ये महा क्या हो गया, महावीर, वीर देखने लग गया तो अंतिम पद प्रधान हो गया,
ठीक है, अगर मान लो आपके पास कर्मधारय समास विकल्प में ना हो तो आप तत्पुरुष समास भी लगा सकते हैं, सही मान लिया। ठीक है, महावीर, वीर तो एक प्रधानता हो गई, लेकिन महानता क्या है, महान विशेषण हो गया, उसी तरह हो गया नील कमल। ठीक है, नील कमल भी, नील क्या है, विशेषता है कमल की, और नील कमल अर्थात कमल पद प्रधान हो गया, इसी में हम कहेंगे मृगनयन, मृगनयन। ठीक है, मृग के नयन, मृग के नयन, मृग के नयन जैसा, अब जैसा तो नयन है, लड़की सुंदरता का नयन, मृग जैसे नयन। ठीक है, ये विशेषता हो गई मृग जैसे नयन। ठीक है, खड़ी बोली, खड़ी बोली, अब देखिए बोली तो है लेकिन कैसी है, खड़ी बोली है, खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी अगर सिर्फ खड़ी कर दिए तो बनी, और बोली लग गया तो अच्छा खड़ी बोली की बात आ गई, भाषा की बात आ गई, तो अंतिम पद प्रधान हो गया और जो खड़ी है ये विशेषता हो गई। ठीक है, इसी में अधपका, अधपका, अब पका तो है, पका प्रधान हो गया, लेकिन कितना पका है, आधा है पूरा, ये विशेषता हो गई। तो ये विशेषता बताएगा दूसरे वाले प्रधान शब्द की वहां पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, इसमें कुछ और भी ढेर सारी चीजें हैं, वो आपके सिलेबस से अदर है, इसलिए हमने उनको नहीं कराया। ठीक है, ध्यान रखिए ये चीजें आपके लिए जरूरी हैं, जो जरूरी हैं हम वही चीज कराएंगे। ठीक है, और चलिए अगले वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करिए, इसको नोट्स बनाइए, याद करिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए, लेकिन अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।